बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच लखनऊ के मैदान पर मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ की टीम के नियमित कप्तान केएल राहुल के बदले कुणाल पांड्या कप्तानी के तौर पर उतरे। आपको बता दें कि कुणाल पांड्या ने टीम की जिम्मेदारी संभाली और टॉस के समय कुणाल पांड्या ही महेंद्र सिंह धोनी के साथ टॉस करने के लिए आए। इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में बारिश आई, इस वजह से मुकाबला रद्द हो गया और दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। लेकिन कुणाल पांड्या जैसे ही कप्तानी के तौर पर, कप्तान की जिम्मेदारी के तौर पर, कप्तान की भूमिका के तौर पर मैदान पर उतरे, इसी के साथ उन्होंने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और ये खास रिकॉर्ड उन्होंने अकेले नहीं बल्कि अपने भाई हार्दिक पांड्या के साथ किया। दरअसल आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं। साल 2022 में हार्दिक पांड्या को टीम की कप्तानी मिली। पहली बार कप्तानी करते हुए हार्दिक ने आईपीएल का खिताब अपनी टीम को जिताया और वह इस वक्त भी टीम की कप्तानी कर रहे हैं। इसके साथ ही कुणाल पांड्या भी अपनी टीम के लिए यानी कि लखनऊ की टीम के लिए कप्तानी करने के लिए उतरे और दोनों भाइयों ने मिलकर के एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दरअसल अब आपको बता दें कि आईपीएल के इतिहास के 16 सीजन में ऐसा पहली बार हुआ कि दो भाइयों की जोड़ी आईपीएल में अलग अलग टीमों की कप्तानी कर रही है, यानी कि कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ऐसी पहली भाइयों की जोड़ी जिसने आईपीएल के इतिहास में दो टीमों की कप्तानी की हो। हार्दिक पांड्या जहां गुजरात के कप्तान हैं तो कुणाल पांड्या इस वक्त लखनऊ की टीम के कप्तान हैं, यानी कि दोनों भाइयों ने मिलकर के आईपीएल में एक नया इतिहास रच दिया और दोनों भाइयों की जोड़ी वाकई खास बन गई। बता दें कि 32 वर्ष के कुणाल पांड्या को 108 मुकाबले खेलने के बाद कप्तानी करने का पहली बार मौका मिला। हार्दिक पांड्या को यह मौका 92 मैचों के बाद मिला था। बता दें कि साल 2022 में 28 साल की उम्र में हार्दिक पांड्या गुजरात की टीम के कप्तान बनाए गए और इस वक्त कुणाल पांड्या भी 32 साल की उम्र में 108 मैचों के बाद टीम की कप्तानी कर रहे हैं। केएल राहुल आरसीबी के खिलाफ चोटिल हुए, इस कारण से कुणाल पांड्या को टीम की कप्तानी दे दी गई है और आगामी पूरे सीजन में कुणाल पांड्या ही टीम की कप्तानी करेंगे। आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें कि कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या पहले मुंबई इंडियंस के लिए मुकाबले खेलते थे। दोनों टीम के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। टीम ने दोनों भाइयों के साथ रहने के दौरान भी खिताब अपने नाम किया था और इसके बाद 2022 में दोनों अलग अलग टीमों में शामिल हुए, हार्दिक गुजरात में और कुणाल लखनऊ में। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।